प्रत्येक मंदिर में आप देखे होंगे जहां मूर्तियां मेटल या पत्थर से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां लकड़ी से बनी है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। कई हजार साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पर बाण चला दिए, जिस कारण श्री कृष्ण को मृत्यु प्राप्त हो गई। उनके मृत शरीर को अग्नि दी गई, पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, पर उनका हृदय को अग्नि न जला सकी और उनके हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इसके बाद विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रदेव के सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि जाओ नदी के पास, वहाँ एक लकड़ी का तना मिलेगा और उस लकड़ी के तने से मेरी मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना। सपने को देखकर वह अगले दिन राजा नदी के पास गए और वह तना देखे, उस तने को महल में लेकर आए। उसके बाद उन्होंने एक से एक मूर्तिकारों को उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, पर वे सफल ना हुए। उसके बाद विश्वकर्मा भगवान ने मूर्तिकार का भेष बदल कर मूर्ति को बनाना शुरू किया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मूर्ति बनाते समय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद अंदर से आवाज़ आना बंद हो गया। राजा ने सोचा कहीं मूर्तिकार को कुछ हुआ तो नहीं, जिस वजह से आवाज़ आना बंद हो गया। यह देखकर राजा ने सोचा कि चलो अंदर देखता हूँ कि क्या हुआ है। ज्यों ही राजा ने अंदर कदम डाला, विश्वकर्मा भगवान अंतर ध्यान हो गए और मूर्तियाँ नीचे से अधूरी रह गई। इनमें भगवान जगन्नाथ, इनके भाई बालभद्र एवं बहन सुभद्रा थी और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में उनका हृदय रखा गया था। और यही नहीं, 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ का हृदय को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह प्रक्रिया की जाती है तो सारे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और पुजारी के आंखों में पट्टी डालकर हृदय को दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हृदय में इतना तेज है कि ऐसा माना जाता है कि अगर उसे कोई देख लेगा तो उसी समय उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। पुजारी जी ने बताया कि जब उनका हृदय हम हाथ में रखते हैं तो सचमुच उनका हृदय धड़कता हुआ महसूस होता है। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का झंडा हवा के विपरीत फहरता है। हमारे ही धर्म में इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आंखें बंद करके हम किसी भी कल्चर को, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम भूल गए हैं कि इस दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, परंपरा, संस्कार इत्यादि को भारत ने हमेशा जिंदा रखा है और यह भारत ने ही दिया है। यह सनातन धर्म है और हमें इस धर्म को बचाना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को जय श्री श्याम।